बच्चों आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। क्लास एट में भी संधि तुम लोग पढ़े हो, अभी हम लोग क्लास नाइन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संधि है क्या, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है जो पढ़ाना है उस पे आ जाएंगे। संधि के बारे में तुम सब जानते हो कि संधि का मतलब ही होता है मेल। संधि का मतलब ही होता है मेल। यहाँ सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग है, धा धातु है। संस्कृत पढ़ते हो इसलिए थोड़ा सा ये भी जान लेना चाहिए। सम धा और इक्तिम प्रत्यय लगा हुआ है, इक्तिम ज्यादा नहीं देखना है लेकिन धा धातु है, धारण करना, अर्थ में सम उपसर्ग लगा हुआ है। संधि, संधि का मतलब होता है जोड़, मेल। जैसे मान लो ये दो हाथ है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जोड़, ये जोड़ कहेंगे, इसको हम लोग ऐसे मोड़ ले रहे हैं तो ये जोड़ है। तो यहाँ क्या आप लोग को देखना है कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ विकार निकलेगा, कुछ रिजल्ट आएगा। संधि में वर्ण को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अब संधि के बारे में इसकी परिभाषा आप लोग जानते हो, क्लास एट में भी पढ़ चुके हो। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, यानी वर्ण जब आपस में मिलेंगे उसे जब विकार निकलेगा तो उसको हम लोग संधि बोलेंगे। ये संधि जो है तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन संधि होती है। इसके बारे में थोड़ी सी ये जान लो, स्वर संधि का मतलब हुआ स्वर जब आपस में मिले। स्वर जो है संस्कृत में 13 है, आ से लेकर के आ, आ छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो, री 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 ए आई ओ औ, ये स्वर है। तो जब स्वर आपस में मिलेंगे उससे जो विकार निकलेगा उसको हम लोग स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, प्लस की बाई तरफ में व्यंजन का कोई अक्षर हो। व्यंजन किसको बोलते हैं, शुद्ध व्यंजन का मतलब हुआ जिसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ हो, जिसको तुम लोग हलन से जानते हो। जैसे मान लो ऐसे का लिखा हुआ है, ये हुआ शुद्ध व्यंजन, क प, ये शुद्ध व्यंजन है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इसको हम लोग शुद्ध व्यंजन बोलते हैं। और संधि में किसका प्रयोग होता है, शुद्ध व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी प्लस की बाई तरफ में शुद्ध व्यंजन हो, यानी स्वर नहीं लगा हुआ हो, और दाई तरफ में, दाई तरफ स्वतंत्र हो, दाई तरफ में स्वर भी आ सकता है व्यंजन भी आ सकता है, और ये दोनों जब मिले तब उसको हम लोग व्यंजन संधि बोलेंगे। ये विसर्ग संधि में क्या होता है, प्लस की बाई तरफ में कोई विसर्ग हो। विसर्ग किसको बोलते हैं, द्विर्बिंदुर विसर्ग, जहां पर ऐसे दो बिंदु लग रहे हैं उसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं संस्कृत में। ये प्लस के बाई तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि ये बाई तरफ विसर्ग होगा, दाई तरफ में कोई स्वर भी हो सकता है या कोई व्यंजन भी हो सकता है। परिवर्तन किसमें होगा, परिवर्तन विसर्ग में होगा, दाई तरफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है बेटा। अब हम लोग कहां जाएंगे, स्वर संधि के भेद में चलते हैं। अब हम लोग देखो ये स्वर संधि, अभी हम बताएं कि स्वर संधि में क्या होता है, दोनों तरफ स्वर रहेगा, यानी प्लस की बाई तरफ भी स्वर और प्लस की दाई तरफ भी स्वर। अब स्वर संधि के पांच भेद हो जाते हैं, ये क्लास तुम लोगों को सिक्स से पढ़ाया जा रहा है, क्लास सिक्स से पढ़ाया जा रहा है कि स्वर संधि के पांच भेद। पहला वीर, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, यण और अयन, ये स्वर संधि के पांच भेद हो गए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाति संधि, स्वर के पांच भेद। अब देखो, अब तुम लोग नाइन नाइन क्लास में पहुंच गए, उसे डायरेक्ट हम लोग यहां से देखते हैं कि दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीन संधि एक तरह की होती है और इधर की दो संधि दूसरी तरह की। मतलब ध्यान से समझो, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या होता है,
दोनों तरफ से स्वर आकर के आपस में मिलते हैं। और अब देखो एक एक उदाहरण तीनों से हम ले लेते हैं। पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ये होता है डबल, बड़ा। दीर्घ का मतलब दुगना। जैसे आप जानते हो कि स्वर जो है 13 है, जिसमें यहां पर देखो हम लिख दे रहे हैं आ, ई, ओ, री और ली, ये 5 हो गए ह्रस्व स्वर, ये 5, बाकी 8 दीर्घ हो गए। आ का डबल होगा आ, छोटी का आ, छोटी की बड़ी, उ बड़ा, उ री बड़ी, लरी का नहीं होता, फिर ए आई ओ औ। अब हम लोग देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, दोनों तरफ से स्वर आपस में मिल जाते हैं और दीर्घ हो जाते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लो देव शब्द है और इधर है अरण्य। अरण्य का मतलब जंगल होता है, यहां देव। ध्यान से देखना, ये देव शब्द में 4 अक्षर है, द, ए, व और अ, इसमें 4 अक्षर है। इधर एक रा में 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर है। लेकिन संधि में हमको क्या देखना है, ये जो प्लस का चिन्ह है इसके ठीक बाईं तरफ और ये प्लस के चिन्ह के ठीक दाईं तरफ हमको देखना है, बाकी को नहीं देखना है। तो ये प्लस के ठीक बाईं तरफ कौन सा अक्षर है, आर, आपको निकाल लेंगे। और इधर अरण्य का में पहला अक्षर है आ, ये आ और ये आ दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा आ। आ की मात्रा होती है एक खड़ी रेखा। अब हमारे पास यहां क्या बच गया, ऐसे बच गया देव, ये हलंत हो गया। हलंत का मतलब इसमें स्वर आप निकाल चुके हो और ये बन गया आ, आ। और इधर से आ खत्म हो गया, आ तुम ले चुके हो। अब इधर दाईं तरफ बच गया रण्य। अब ये आ जो है वो बाईं तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। आ की मात्रा एक खड़ी रेखा, ये वा के पास एक खड़ी रेखा आ जाएगी, तो ये बन जाएगा देवा। और ये रण जो बचा हुआ है इसको हम लिख देंगे, बन गया देवा रणी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक और देख लो दीर्घ संधि में, एक और देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो मुनि लिखा हुआ है, मुनि का लास्ट अक्षर क्या है, छोटी वाली ई। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना को बड़ी वाली, ना को लास्ट अक्षर मान लेते हैं, ना अंतिम अक्षर नहीं है, छोटी ही है। और इधर है इंद्र। अब मुनि में से हम क्या निकालेंगे, छोटी वाली निकाल लिया और इधर से भी छोटी वाली, बन गया बड़ी। अब यहां पर आपके पास क्या बच गया, मुन। छोटी आप निकाल चुके हो यहां से, मुनि में से छोटी निकल गई, बच गया मुन। अब हम बीच में जो बना हुआ है उसको बीच में लिख देंगे, बड़ी वाली ई। और इधर बच गया आधार ना उद्र, आधार ना उद्र, बड़ी काली हम लोग ऐसे दाईं तरफ से लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मुनी और ये आधार ना उद्र को जोड़ देंगे, बन गया मुनिंद्र। ये पहले में तुम सब देख चुके हो। अब गुण संधि का एक उदाहरण दे लेते हैं। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में होता है बाईं तरफ आ या आ, दाईं तरफ में छोटी या बड़ी, तो दोनों मिलकर बनेगा ए। उसी तरह आ आ उ उ बनेगा ओ, आ आ री री रहेगा दाईं तरफ में तब बनेगा आर, ऐसे बनेगा। उदाहरण देख लो, जैसे मान लिया इधर पूरा मिटा देना है। अब देखो मान लिया लिखा हुआ है देव जोड़ इंद्र, देव का आखिरी अक्षर अ, और दाई तरफ से हम ले लेंगे ई, अ और ई को ले लेंगे, अ और ई। अब ये दोनों को मिलाकर के बन जाएगा ए, ए की मात्रा ऊपर एक रेखा, ऐसे रहता है। अब देखो देव हलंत हो जाएगा, आ निकाल चुके हो और बना क्या ए, और इधर आप ई कट जाएगी आधा न उद्र, ये ए जो है वा के पास चला जाएगा, अब हो गया देवेंद्र, ऐसे बनेगा देवेंद्र बन गया। फिर से देखो
आर निकला यहां से ई, दोनों को मिलाकर के ए बना दिया, देव में से चुकी आर निकाल चुके थे, देव में हलंत हो गया, ए जो बना है सो बीच में लिख देंगे, आधा नाव द्र, वाक के पास ए चला आएगा, वे हो जाएगा देवेंद्र, ऐसे हो जाएगा। दूसरा देखो शब्द है दे, जोड़ उपास्य, उपास्य देव में आ निकाल लेंगे, आ इधर से ऊ निकाल लेंगे, आ और ऊ दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा ऊ, ओ की मात्रा एक नीचे और एक ऊपर रेखा होती है। अब यहां हम क्या करेंगे, देव हलंत हो जाएगा, बीच में ओ को लिख देंगे और इधर ऊ खत्म हो चुका था, बन गया पास्य, ओ आ जाएगा वाक के पास, देवो पास्य हो गया, ऐसे हमें बनाते हैं। एक उदाहरण इसमें और देख लेते हैं, मान लो लिखा हुआ है देव प्लस ऋषि, देव में से आ निकालेंगे, जैसे मैथ बनाते हो वैसे बनाते चलना है, देव में से आ निकाल लिया, इधर से री निकाल लिया, आदि को हट मिला देंगे, बन जाएगा आर, रा में आधा रहता है, ये देव व आधा हो जाएगा, आर निकाल चुके हो, जो बनता है वो बीच में लिखते हैं आर, री खत्म हो गया, यहाँ हो गया शी, ऐसे ये आ वाक को पूरा करते गाते, ये रा के बाद कोई स्वर है नहीं, इसलिए रा रेख बन करके शी के ऊपर चला जाएगा, हो गया देवर्षि, ऐसे बनता है। ये दो संधि हो गई, दीर्घ संधि और गुण संधि। अब वृद्धि संधि को देखते हैं, वृद्धि इसमें क्या होता है, बाईं तरफ दाईं तरफ में ए या आई दोनों को मिला देंगे तो आई हो जाएगा, आई का मतलब होता है ऊपर में दो रेखा, ऐसे बाईं तरफ में आर, दाईं तरफ में ओ या औ, तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा औ, औ का मतलब होता है एक नीचे रेखा और दो ऊपर रेखा। इसका ज्यादा विस्तार नहीं है, ध्यान से देखो, मान लो लिखा हुआ है एक जोड़ एकम, एक का आखिरी अक्षर क्या है आ, और इधर है ए, आ और ए को मिला दें बन जाएगा आई। अब देखो यहां एक में से आ निकाल चुके हो, का में से एक ऐसे होगा, बीच में क्या रखेंगे आई, और दाई तरफ क्या रखेंगे कम, आई का के पास चला गया, एक कई कम, ऐसा एक कम। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसमें, वृद्धि संधि का एक उदाहरण और देख लेते हैं, देव प्लस औषधि, औषधि शब्द भी होता है औषधि भी होता है, औषधि यहां पर से आ लेंगे, यहां से और लेंगे, दोनों को मिलाकर के बना देंगे और, बस वैसे ही करते चलेंगे, आ निकाल लिया और बीच में रखेंगे, इधर हो गया औषधि, और को वाक के पास ले आएंगे देव औषधि। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ से स्वर को ला रहे हैं, आ को लाया औ को लाया, दोनों मिलाया, दोनों की जगह पर औ बनाया, ये तीन संधि में, दीर्घ संधि में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में। अब जो बाकी की दो संधि है, यण संधि और आयादि संधि, उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्वर आपस में मिलेंगे नहीं, रहेंगे जरूर लेकिन मिलेंगे नहीं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यण संधि, इसमें क्या होता है छोटी ई या बड़ी, इसका बन जाता है या,
ये उ या बड़ा, इसका बनेगा व। री या बड़ा री, इसका बनेगा र। और री का बनेगा न। छोटी या बड़ी, इसका बन जाएगा य। उ या बड़ा उ, व बनेगा, री का र बनेगा और लरी का ल बनेगा। इसके दाईं तरफ में यानी प्लस के दाईं तरफ में कोई स्वर हो, 13 में से कोई भी स्वर यदि आया हुआ हो तो छोटी ई का य बनेगा। दाईं तरफ का स्वर मिलेगा नहीं, आपस में मिलेगा नहीं, ये स्वतंत्र रूप से ई जो है य बना देगा। यहां पे ध्यान से देखना, देखिए अब जो है यण संधि का पहला एग्जांपल मान लिया, लिखा हुआ है भूमि। इसको ठीक से देखो, मुनि प्लस आदेश। यहां पर देखो कि मुनि का लास्ट अक्षर है छोटी ई, दाईं तरफ में आ आया हुआ है, दाईं तरफ में भिन्न स्वर रहना चाहिए। इधर बाईं तरफ में छोटी ई, दाईं तरफ में आ है। एक बार ध्यान देना, यदि बाईं तरफ में छोटी ई है और दाईं तरफ में फिर से ई आ जाती, ई कोई भी छोटी या बड़ी, तो फिर दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता, छोटी बड़ी मिलाकर के बड़ी ही बन जाती। लेकिन यहां पर आ आया हुआ है, इसीलिए इसको हम छोटी ई को बाहर ले आएंगे, इसकी जगह पर या बना लेंगे, ई का या बन गया। ध्यान देना, मुनि में से ई निकाल चुके हैं, अब ये आपके पास बच गया मुन, ई खत्म हो गई है, ई की जगह पर या बन गया। अब या को यहां ले आते हैं, या यहां आ गया, ये आदेश पूरा उठ करके यहां आ जाएगा, आदेश पूरा आ गया यहां। अब ये आ चलाएगा या के पास, या में आ आएगा तो ऐसे बन जाएगा मुन्यादेश। अब ये चूंकि न आधा हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, मुन्यादेश ऐसे बन जाएगा। देखो मान लो कि लिखा हुआ है साधु प्लस आदेश, यहां पर साधु हो, साधु में उ है, उ को बाहर करेंगे, और यहां पर दाईं तरफ में आ है, भेद स्वर मिल गया, इसीलिए उ का बनता है वा, वा बना दिया। अब यहां बच गया क्या जी, आपके पास उ निकल गया है, तो हो गया साध, उ निकल गया, उ निकल करके बन गया है वा, वह को यहां ले आएंगे, और दाईं तरफ आदेश है तो आदेश दाईं तरफ इधर ले आएंगे। अब आ चलाएगा वह के पास, तो वह हो गया धा, आधा ऐसे हम नहीं लिखते हैं, भाग को ऐसे लिखा जाता है साध, ये वह में आ गया, वह देश हो गया साधवा देश। ई का उदाहरण, ई का यह बन गया, ऊ का बन गया, ऊ का वह। अब एक और उदाहरण देख लो, री का रा जो बनता है, पितृ शब्द, पितृ 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 का लास्ट अक्षर है री, पितृ आदेश। यहां देखिए ध्यान से, री लगा हुआ है, री का रा बनता है, री को बाहर करेंगे, री के जगह पर आधार रा बना दिया। अब आपके पास क्या बच गया, पित, पित ऐसे बच गया, र यहां ले आएंगे, र इधर आदेश, र जो बनाए थे यहां पर आ गया, पितृ में से भी कट गया है, आधा त बच गया, आधा त आधा र और ये आ आमने सामने हो गया। वर्णमाला में निचली कक्षा में बताया गया होगा कि आधा त आधा र और आ जब मिलता है तब बन जाता है त्रा, संयुक्त अक्षर में बताया गया होगा त्र छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त अक्षर होते हैं, क्ष में क क धन श और अ रहता है, आधा त र अ रहता है, ज्ञ में ज ञ अ रहता है, इसमें तलाब श र अ रहता है। अब यहां पे त्रा बन गया, तो तारा आवरा त्रा बन गया, तो हो गया पित्रा देश। चलो
आज इतना ही, धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम लोग इसको देखेंगे।